मैं तुम्हें बता दूं भाई, अभी तो भाई सांप देखा था भाई हमने, मैं भी निकल चुका हूँ भाई पीछे के। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो तुम्हारा भाई फिर से आ चुका है एक नए गांव में, जिस गांव में मैं आया हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ, ये जो मेरे बैक साइड में यहाँ पे इतनी सारी लीचियाँ लग रही हैं, लीचियों का बगान है। तो आओ मैं सबसे पहले तुम्हें लीचियाँ दिखाता हूँ, ये देख सकते हो। देख सकते हो, ये देखो कितनी प्यारी लीची लग रही हैं। अभी जो है कच्ची लीची हैं, ये 15-20 दिन बाद जो है भाई पक जाएंगे। और लीचियाँ देखो यहाँ पे भाई, लीचियों का कितना बड़ा बगान है यार। मैं तो गलत टाइम पे आया हूँ भाई। अच्छा, अगर मैं 15 दिन रुक कर आता ना तो यहाँ पे पक्का भाई लीचियाँ तो कम से कम बहुत लेके जाता, तोड़ के लेके जाता। यहाँ से दूर दूर तक देख सकते हो भाई, लीचियाँ लीचियाँ हैं, लीची लीचियाँ। और इधर भी देखो लीची लीची लगी हुई हैं। और मैं जूम करके देखूँ, यहाँ पे आम के पेड़ भी हैं, ये देख सकते हो। वो आम के पेड़ भी दिख रहे होंगे तुम्हें, ये देखो आम लटक रहे हैं। तो भैया तुम्हें कैसे लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है भाई, थोड़ा सा ना मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ, है ना। यहाँ जो और अंदर देखते हैं क्या क्या यहाँ पे, पता है यहाँ पे हमारे एक छोटा भाई है, वो भाई इधर ही हो इधर। तो ये भाई छोटा भाई ये कह रहा है कि यहाँ पे भाई सांप भी हो सकते हैं वैसे तो, हैं मनु भैया? सांप भी हैं। तो भाई आज थोड़ा सा बच के चलते हैं, बच के घास और अंदर की तरफ, वहाँ चलते हैं सामने की तरफ। मनु भैया आओ, सामने की तरफ जा रहे हैं भाई। यहाँ पे कह रहा सांप वहाँ भी हो सकते हैं, तो सांप से थोड़ा सा बच के रहेंगे अपन। और यहाँ पे देखते हैं, अब तो मैं दिखाता हूँ मैं यहाँ पे भाई, देखो कितनी सारी लीचियाँ पूरी टोटल ना यहाँ पे भाई, लीचियाँ ही लीचियाँ हैं। मैं यार तोड़ ही नहीं सकता, पर बट ये है ना क्योंकि कच्ची हैं मनु भैया, कच्ची लीचियाँ हैं, तो यार इस बारे में तोड़ ही नहीं सकता भाई। अगर पकी हुई होती ना तुम्हारा भाई, तो 3-4 कट्टे भर के ही लेके अपनी दिल्ली में लेके जाता और वहाँ जाके बेचता। बड़ा हरामी हो बेटा। मक्खी है, मधुमक्खी। देखो तुम मधुमक्खी दिखाता हूँ क्या चीज़, ये देखो मधुमक्खी लग रही है काफी ज्यादा भाई। उधर नहीं जाएंगे, नहीं तो भैया ऐसे करेंगे पतले को मोटा कर देंगे, मधुमक्खियाँ सुझा देंगे, सुझा मधुमक्खी है ना। हैं जेनवनी में तुम्हें बता दूं भाई, मुझे तो भाई काफी ज्यादा मजा आ गया भाई यहाँ पे। पहली बार मैंने, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ पे मैंने आके भाई यहाँ पे लीची का बगान फर्स्ट टाइम मैंने देखा है भाई, मजा आ गया। लीचियाँ तो देख सकते हो, जिसने ना देखी हो लीची कहाँ से आती कैसे आती है, तो देख सकते हो ये पेड़ है लीचियों का और यहाँ पे लीचियाँ आती हैं। इससे पीछे वाला था दिखा देता हूँ तुम्हें, कभी कहो देखो ये लीची का पेड़ है। कभी कोई सोचते होंगे पौधा होगा क्या होगा, तो देख सकते हो लीची का पेड़ है यहाँ के। गाइस मैं अभी आम के बगीचे में भी आ गया हूँ मैं, तो मैं अभी गाइस मैं आम दिखा देता हूँ, आम 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 आम। तो गाइस ये देखो कितने प्यारे प्यारे भाई आम लग रहे हैं, लंगड़ा आम है ना ये। तो ये गाइस ये जो है लंगड़ा आम है, लंगड़ा आम भाई, लंगड़े आम भी काफ़ी ज़्यादा मीठे होते हैं। अभी तो कच्चे हैं, जब पक जाएंगे तो बात ही अलग होगी भाई, काफ़ी महंगे जाते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसे ही अपने भाई पे प्यार बना के रखना, ऐसे ही मैं आपके लिए और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो इसी के साथ चलते हैं, जय हिंद जय भारत।